दुर्ग में पिछले दिनों विवाद के चलते हुए हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 6 आरोपी में से एक अपचारी बालक भी शामिल है। पुरानी रंजिश को लेकर दुर्ग के मठपारा में पिछले दिनों देर रात मारपीट में दादू देशमाने की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एक्शन में आई दुर्ग पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी फरार अन्य आरोपी की पतासाजी कर रही है, जहां क्राइम ब्रांच एवं कोतवाली थाना पुलिस टीम ने मुस्तैदी से जांच करते हुए मामले को सुलझाते हुए इस घटना में कुछ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। बता दें, आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते चंडी मंदिर के पास मठपारा में रोककर मृतक के साथ मारपीट की थी। इसके बाद आरोपियों ने ईंट एवं पत्थर से युवक के सिर को कुचलकर सभी आरोपी वहां से भाग निकले थे। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि जो नामजद आरोपी हैं उसके भाई की हत्या हुई थी और फिर उस आरोपी को शक था कि उसके भाई की हत्या में दादू कहाँ था। इसी बात को लेकर आरोपी एवं उसके साथियों ने दादू के साथ दुश्मनी निकाली और उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में दुर्ग CSP चिराग जैन ने प्रतिक्रिया दी। 6 लोगों के नाम है, 5 आरोपी है और एक अपचारी बालक है, तो सभी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है और इसमें सीन भी क्रिएट कराया गया है और जो भी नेसेसरी एविडेंसेस हैं वो गैदर किए हैं। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।